लोनी के न्यू विकास नगर वार्ड नंबर 27 के कॉलोनी वासी नरकीय जीवन यापन कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। विकास को लेकर ना तो यहां नाली, खड़ंजा, लाइट, बिजली, पानी, सड़कें कुछ भी नहीं है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमने अपनी कॉलोनी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 27 के विजयपाल सभासद के पास गए, लेकिन हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं होगा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बरसात के मौसम में गलियों में पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाती है, जिससे हमें निकलने में बहुत ही दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली न होने के कारण गलियों में हमेशा अंधेरा रहता है, जबकि हमारे पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, हाउस टैक्स, राशन कार्ड, सारी सुविधाएं हैं। जब हम सरकार को मकान का हाउस टैक्स दे रहे हैं तो हमारी कॉलोनी में पक्की सड़कें, नाली की व्यवस्था, लाइट की समस्या क्यों नहीं पूरी की जा रही है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि चुनाव के समय में हर नेता लंबे लंबे वादे करके हमसे वोट ले जाते हैं, लेकिन जो हमारी समस्या उन्हें कोई भी दूर नहीं करता। हमारी कॉलोनी की गलियां जो काफी गड्ढे भरी गलियां, सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करे। हमने अपने विकास को लेकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर के पास गए, मगर हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम लोनी चेयरमैन रंजीता धमा के पास भी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे, लेकिन हमारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। क्या हमें ऐसे ही जीवन यापन करना पड़ेगा? कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम यहां पर 15 से 20 साल से यहां रह रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम लोनी के सभी नेता से अनुरोध करते हैं कि हमारी कॉलोनी का विकास कराया जाए।